हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? और ये आप देख रहे हैं आलू, छिली हुई आलू है और आ गया है होली। और आज हम बना रहे हैं आलू के चिप्स। होली की तैयारी में जुट गए हैं, जी जान से जुट गए हैं हम। पहले हम आलू को छिल के फिर धुल लिए, फिर धुलने के बाद उसका स्लाइस कर लिए। होली की तैयारी तो सब लोग अपने घर में कर रहे होंगे। आजकल आप सभी लोग बिजी होंगे, जैसे हम बिजी हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं होली की तैयारी में, तैसे सब लोग बिजी होंगे। और साथ ही साथ बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं, तो आधी तो टेंशन उसी में रहती है हमारी तो, क्योंकि क्या बच्चों तो हेल्प कर ही नहीं पा रहे मम्मा की। हाँ, बच्चों को बहुत शौक लगता है हेल्प करने की, पर कर ही नहीं पा रहे हैं। और ये देखिए, फिर हम इसको दो तीन पानी धुल के फिर बॉयल करने के लिए रख दिए। फिर हम इसमें जो है थोड़ा सा सॉल्ट और कुटी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं, और थोड़ा सा चाट मसाला। तो जैसे अपना लेज का आता है फ्लेवर, सेम वैसे ही आ जाता है फ्लेवर। बच्चों को तो बहुत टेस्टी लगता है। वैसे कुछ लोग इसको सिर्फ नमक डालकर उबाल लेते हैं, पर हम थोड़ा सा इसमें फ्लेवर डालते हैं, उससे टेस्ट अच्छा लगता है। फिर हम इसको टच कर कर देख लेंगे ये पक गया कि नहीं। अगर नहीं पका है तो और पका लेंगे, उसके बाद छन्नी से छान देंगे। हमारी बड़ी सी छन्नी है, उसी में छान देते हैं। फिर हम ले आएंगे इसको बाहर बेडशीट, धूप में बेडशीट पर डाल देंगे। इसको अलग अलग करके डालते हैं, अदरवाइज एक में रहता है चिपक जाते हैं सब। तो पहले थोड़ा सा ठंडा करते हैं, फिर ले आते हैं धूप में। इसको फैला देते हैं धूप में, ये देखिए ऐसे एक एक करके फैला देते हैं। देखिए हमारा पूरा फैल चुका है। मैंने 5 किलो आलू के बनाए चिप्स। आप लोग कितने किलो आलू के चिप्स बनाए कमेंट में बताइएगा हमको। और ये देखिए हमारे पूरे, हम पूरा फैला चुके हैं। अब इसको 2 से 3 घंटे के बाद पलट देते हैं, जिससे ये चादर पे चिपके नहीं। बस फिर ये 6 से 7 घंटे में पूरा अच्छे से सूख जाता है। फिर इसको फ्राई करो और खाओ और एंजॉय करो। और अब हम बना रहे हैं चावल के आटे का पापड़। तो इसके लिए हम थोड़ा सा चावल का आटा लेंगे कप, और उसमें डालेंगे 5 गुना पानी। फिर रख देंगे खोलने के लिए। इसमें बॉयल जब आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर इसमें डालेंगे हम नमक, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, जीरा। बस अब इसको बॉयल करते जाएंगे। अब ये पूरी तरह से खोल गया, ये देखिए अब ये पूरी तरह से खोल गया, थोड़ा सा थिक भी हो गया। अब इसी स्टेज पे हम कर देंगे गैस बंद, और फिर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा, फिर हम आ जाएंगे धूप में पॉलीथीन डाल के, उस पर धीरे धीरे छोटा छोटा सा चम्मच से टपकाते जाएंगे। ये अपने आप शेप ले लेगा, फिर बस ऐसे डालते जाना है। और इस तरह से हम चावल के आटे का पापड़ बनाते हैं। आप लोग को कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में बताइएगा। क्या आप लोग भी इसी
विधि से बनाते हैं पापड़ या फिर कोई और विधि से बनाते हैं, हमको बताइएगा। चलिए आप सभी को बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।